आज महिला दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पहल की शुरुआत करते हुए अपने क्षेत्र में अच्छी पहचान बनाने वाले तमाम कंटेंट क्रिएटर्स को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन सुबह तकरीबन 10:30 बजे भारत मंडपम में किया गया। देश में पहली बार दिए जा रहे इस पुरस्कार के लिए तकरीबन 1.5 लाख नामांकन दर्ज किए गए थे और इसके बाद वोटिंग राउंड में अलग अलग अवार्ड कैटेगरी में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तकरीबन 10 लाख वोट डाले गए, जिसके बाद 3 इंटरनेशनल क्रिएटर्स के साथ 23 विजेताओं का नाम फाइनल हुआ। दरअसल ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बेस्ट स्टोरी टेलर, बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर, बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस प्रोड्यूसर और इंटरनेशनल क्रिएटर्स कैटेगरी सहित लगभग 20 कैटेगरी में दिए गए हैं। इस अवार्ड के लिए जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है उसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना, कंगना रनौत, मशहूर कॉमेडियन जाकिर खान, संदीप महेश्वरी, नैज डेली, क्ली पॉल और नैन्सी त्यागी जैसे नाम शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ये अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं। दरअसल डिजिटल युग में कंटेंट क्रिएटर्स का असर काफ़ी लोगों पर पड़ता है, जिसकी वजह से स्टोरी टेलिंग, सोशल चेंज, एजुकेशन और गेमिंग जैसे फील्ड को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के 110वें एपिसोड में भी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टैलेंट को सम्मानित करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की है। इसके तहत अलग अलग कैटेगरी में उन चेंज मेकर्स को सम्मान दिया गया है जो सोशल चेंज की आवाज़ बनने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।